आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करते हैं। मनीष तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कपिल सिब्बल को हमने सुना, उन्होंने एराजा के बाद टेलीकॉम सेक्टर की कमान संभाली थी। वो आज पूछ रहे हैं कि मैंने जो जीरो लॉस थ्योरी कही थी उस पर विरोधियों ने जबरदस्त निशाने साधे थे, क्या आज वो लोग माफी मांगेंगे? आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो श्री विनोद राय को सार्वजनिक तौर पर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। विनोद राय ने इस सारी सर्कस की शुरुआत की थी। वो 1,70,000 करोड़ का जो काल्पनिक लॉस था उसकी थ्योरी को सार्वजनिक करकर उन्होंने यूपीए सरकार को, भारत की अर्थव्यवस्था को और इस देश की छवि को जितनी क्षति पहुंचाई है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था इतनी क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे पहले तो श्री विनोद राय को माफी मांगनी चाहिए। और ये बात उसी समय साबित हो गई थी जब संयुक्त संसदीय समिति में मैंने खुद विनोद राय को क्रॉस एग्जामिन किया था 3 दिन के लिए और वो अपनी इस थ्योरी की पुष्टि नहीं कर पाए थे। और आज एक फौजदारी की अदालत ने उस चीज के ऊपर मोहर लगाई है, जितने लोग अभियुक्त थे उनको बरी किया है और सार्वजनिक तौर पर विनोद राय को माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और इस देश के मीडिया को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने सबने मिलकर ये 1,70,000 करोड़ का जो काल्पनिक आंकड़ा है उसको तूल दी। मनीष तिवारी जी, एक सवाल और है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन मिजरेबली फेल कर गया अपनी बातों को सिद्ध करने में, तो सवाल ये है कि एविडेंस नहीं रखे गए इसीलिए जो आरोपी थे वो बरी हुए, क्या ये कहा जा सकता है कि घोटाला भी नहीं हुआ? मनीष जी, ऐसा है कि अगर प्रमाण होते तो प्रमाण सार्वजनिक होते। सवाल ये है कि पिछले 3 साल से तो भाजपा की सरकार है, तो अगर कोई एडिशनल चार्जशीट फाइल करनी थी, एडिशनल प्रमाण रखने थे, तो सीबीआई तो इनके कब्जे में है, रोज इनका उसका दुरुपयोग करते हैं। अब तो जो अभियुक्त हैं, जो बरी हुए हैं, जिनको फजूल प्रताड़ना दी गई थी, उनको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये जो जांच एजेंसियां हैं इनके खिलाफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करना चाहिए और जो मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने उनकी छवि धूमिल की है उन सबके खिलाफ मानहानि के दावे दायर करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी आपका हमसे बात करने के लिए। यूपीए सरकार में मंत्री रहे और वरिष्ठ नेता। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।